अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम करते हैं आप सब लोगों को इनसाइड आउट विद नीलम मुनीर में। आज की जो पर्सनालिटी है वो कोई आर्टिस्ट तो नहीं है लेकिन किसी आर्टिस्ट से कम भी नहीं है। ये एक पॉलिटिशियन है और हैंडसम पॉलिटिशियन है, यूथ इन्हें बड़ा पसंद करती है, बहुत अच्छे शायर भी हैं, एमकेएम से इनका ताल्लुक है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद रिज़वी, सो वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, थैंक गॉड आप मेरे शो पे आए। I'm honored. है ना, मेरे डायरेक्टर, मेरी पूरी टीम, मेरे कैमरामैन, एवरीबॉडी सो एक्साइटेड। एक तो ये बड़ी खास बात होती है ना पॉलिटिशियंस की, मैंने देखा हम भी कहीं ट्रेवल कर रहे होते हैं, एक्टर और पॉलिटिशियन जहाँ पे आता है तो लोग एक्टर को भी भूल के, कॉमेडियन को भी भूल के पॉलिटिशियन की तरफ भाग जाते हैं और उतनी ही सोशल मीडिया पे बुराइयां लिख रहे होते हैं। आप ऐसे एक्टिव हैं सोशल मीडिया के ऊपर? काफी हद तक लोग आपके बारे में बड़ी अच्छे व्यूज़ रखते हैं और लोग आपको बड़ा पसंद करते हैं। आप, मैंने जैसे कि पहले इंट्रो में भी बोला कि वन ऑफ द हैंडसम पॉलिटिशियन वी हैव इन कराची। सो आप कोई जिमिंग शिमिंग करते हैं क्या? एक्टिविटीज़ हैं आपकी लाइफ में? जिमिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है? बिल्कुल। सो हाउ कम यू सो परफेक्ट? नॉट परफेक्ट रियली, चीज़ें कुछ गड़बड़ भी होती हैं, ठीक भी रहती हैं, थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं। हाँ। खाने का टाइम कोई बांध लेते हैं अगर ऐसा लगे कि टमी थोड़ा सा बाहर आ रहा है तो कुछ मैनेज कर करा के हो जाता है। वैसे ये एक सीरियस टॉपिक है बिकॉज हमारे साथ भी हमारे हीरोज जो ड्रामा के होते हैं वो खड़े होते हैं, अब ऑब्वियसली दे आर मैरिड, इतना टाइम भी हो गया, एज आने के बाद जाहिर इंसान के फीचर्स के साथ साथ बॉडी भी चेंज होती है, तो वो भी ना पिक्चर के जाने से पहले एक मिनट में सांस अंदर कर रहे हैं यार क्या टाइटल पे लगेगी ना, पेट बाहर नहीं हो सकता। इट इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक। एनीवे मैं तो बिल्कुल जिम नहीं करती, आई लव स्विमिंग, मैं इस तरह से अपना टाइम थोड़ा सा ज़ाया भी कर देती हूँ लेकिन स्विमिंग के बाद भूख भी बहुत लगती है तो ये भी एक डिफरेंट एक्टिविटी होती है। क्रिकेट का आपको बड़ा शौक है? हाँ, क्रिकेट बहुत अच्छी लगती है। कभी सोचा नहीं कि काश मैं क्रिकेटर होता? कभी नहीं सोचा, अच्छी क्रिकेट खेलता रहा मगर उसके बावजूद कभी ये नहीं सोचा कि उसको प्रोफेशन बनाऊंगा। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ, कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट था और प्रोफेशन में चला जाऊँ अपने, मगर मौका नहीं मिल पाया जिंदगी में। तो जो क्रिकेटर्स के भी स्कैंडल्स आ जाते हैं तो मुझे कभी कभार लगता है कि कोई बात नहीं, वो भी इंसान है, कुछ नहीं होता, यू नो, कहीं खाने पे चले गए, कहीं पीने पे चले गए। लोग ना सही तस्वीर को भी गलत साबित करके सामने ले आते हैं। सो मैं समझती हूँ कि उनकी लाइफ होना चाहिए ऐसा। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है अभी जो लॉट है इसमें? सरफराज अहमद। सरफराज अहमद, वैसे मैं देखा उनके साथ कहीं ना कहीं क्रिकेट में पॉलिटिक्स होती है, आप इसको माने या ना माने, उनको पीछे छोड़ देते हैं, जाता है पीछे और लोगों को ये, आप बेशक ना खिलाएं या खिलाएं जो भी करें, आम देखने वाले बंदे को पता चलता है कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ज्यादती हुई है। सरफराज ने बाकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अच्छा ठीक है, मुझे बताएं खाने में क्या अच्छा लगता है आपको? आपके आम खाना? हाँ, घर का खाना। फास्ट फूड नहीं खाते आप? कम खाता हूँ। क्यों? मुझे घर का खाना ज्यादा पसंद है और कोशिश करता हूँ घर पे ज्यादा खाना खाऊं। ठीक है। स्ट्रगलिंग लाइफ क्या थी आपकी, कैसे आपने सर्वाइव किया, कितना मुश्किल था? देखें, एक इतना बड़ा नाम बन जाना ना ऐसा नहीं होता, ये आसान बात नहीं होती, बहुत कुछ देखना पड़ता है, करना पड़ता है। और जिस पोजीशन पे आप, आई एम श्योर आपको भी ऐसे बैठे बिठाए तो नहीं मिला होगा ना कि आप ले लें, आपकी पोजीशन है एंड एंजॉय इट। आपको क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा? कोई खास नहीं, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाले, पहले एक बच्चे को, फिर एक नौजवान को, फिर एक जवान को, जो स्ट्रगल करनी पड़ती है वो मैंने भी की है। और आई वॉज ए सिंगल पेरेंट रेस किड, मेरे वालिद और वालदा के दरमियान अलहदगी हो गई थी जब मैं 6 बरस का था। ठीक। तो मेरी वालदा ने, हम 3 भाई थे, हमें पाला और सारी वो मेहनत हमारी माँ जो है वो कॉलेज जाती थी, कॉलेज में पढ़ाती थी। माई मदर शी इज़ एन मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। अरे वाह। तो उन्होंने, उनकी सारी हिम्मत है, उन्होंने पढ़ाया लिखाया। जब मैट्रिक किया तो कोशिश की कि अम्मी के साथ कुछ कंट्रीब्यूट कर लें, तो पहली जॉब कराची पोर्ट पे बोरियां उठाने की मिली। और बोरियां उठाने की मिली? हाँ, यूरिया बैग से 50 kg का होता था, कन्वेयर बेल्ट से ट्रक के ऊपर लादना था। कितने साल के थे तब आप? 15 साल। अच्छा। तो वो काम करता रहा, फिर किसी देखने वाले को तरस आया, उसने कहा तुम पढ़े लिखे बच्चे लगते हो तो तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा जो काम मिला वो कर रहा हूँ। हाँ। तो उसने फिर मुझे टैली क्लर्क बना दिया और यहीं रहते हैं कराची में, अब्बास फजल बाद साहब नाम है उनका। जी जी। उन्होंने हेल्प की, वहाँ पर एक सोलेहीन भाई थे, जमाने से मेरी मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने हेल्प की और वो वक्त गुजरा, 450 रुपए कमाए पहले महीने में। दैट वाज बैक इन 1983। अच्छा, ओके। तो मोतनदास मार्केट से फिर मैं उस 450 रुपए के कपड़े लेकर अम्मी के लिए चला गया। तो उस दिन अम्मी बहुत रोई, मैंने कहा अम्मी नहीं, अब मैं कमाऊ पूत हो गया हूँ तो यू डोंट हैव टू वरी। फिर ट्यूशन पढ़ाने का टाइम आ गया तो
तो जिस क्लास में मैं होता था उससे पिछली वाली क्लास को ट्यूशन पढ़ाता था, लाइक अगर ग्रेड टेंथ में हूँ तो नाइन्थ को पढ़ाता था, फर्स्ट ईयर में हूँ तो मैट्रिक को पढ़ाता था, तो उस तरह अपना गुजर बसर, कुछ अम्मी को सपोर्ट, कुछ इस तरह, कुछ छोटे भाई थे तो हम दो भाई जो बड़े थे हमने अपनी जिंदगी अपने छोटे भाई में जिए, जो थर्ड वन था, ही वाज आवर बेबी ब्रदर। हाँ, वो होता है ना घर के एक छोटे को ही सब कुछ मिल रहा होता है, तो और आप खुद भी कर रहे होते हो। जो हमें नहीं मिला हमने कोशिश की कि हम अपने छोटे भाई के लिए करें, तो वो ट्रेल बाइक और वो सारी चीजें वो हम ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के अपने सबसे छोटे को उसमें जिंदगी जीते थे। आप तीन भाई और बहन कोई नहीं है? हम तीन भाई थे, एक भाई का इंतकाल हो गया। अच्छा, वो 28 बरस का था, वो एक साल दो महीने छोटा था मुझसे। ठीक है। वो कैंसर हुआ उसको और उसमें उसका इंतकाल हो गया। ठीक है। तो अब हम दो भाई हैं, बहन कोई नहीं है। तो एमक्यू वाले की वैसी बहुत बहनें होती हैं। अब तो अल्लाह का शुक्र है, हजार अब तो वैसी बहुत बहनें होती हैं। बिल्कुल ऐसे भाई भाई, लेकिन आई फील सो गुड। मैं खुद भी एक बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ और मैं बड़ा सपोर्ट करती हूँ, मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज एक तो विमेन की बड़ी रिस्पेक्ट है आपकी पार्टी में और अच्छा लगता है। और जिस तरीके से, ये नहीं कि टीवी पे या जलसे में या दिखावा है, नहीं भाई, मैं मेरा बिकॉज मेरा भी ब्रॉट अप नॉर्थ नाजमाबाद में हुआ है और मैंने देखा है कि यार लड़के किस तरह से हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और हमारी भी बिल्कुल सेम स्टोरी, लाइक हम चार बहनें एक अम्मी, बट वी वर सेफ। सो अल्हम्दुलिल्लाह। सो आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी पोजीशन, या आपको लगता है कि नहीं बस यार अब मैं बोर हो गया हूँ? ऐसा नहीं है, बड़ी सेटिस्फेक्शन है लोगों की मदद करने में, लोगों के काम आने में, और खुशी होती है दिल से। मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा खुशी किसी और काम में नहीं है। सिर्फ पैसा कमा लेना या सिर्फ नाम कमा लेना, उसमें इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं है जितनी रोज़ की बुनियाद पे 20, 25, 50 लोगों के काम आ जाने में। सही, बिल्कुल सही। तो क्रश कौन है आपका? आप जब इंडस्ट्री में, कब से पीटीवी एसटीएन के दौर से ही चले, मैं काउंट कर लेती हूँ, या अभी कोई एक होता ना फेवरेट पर्सनैलिटी या सेलिब्रिटी, लेकिन कोई भी लड़की, मतलब हॉलीवुड में? नो, पाकिस्तान, नो, दिस इज नॉट। वैसे मुझे पता है कि आपको जी चावला और सुष्मिता सेन बहुत पसंद है। सुष्मिता सेन मुझे बहुत पसंद है, दैट्स ट्रू। हां, दैट्स ट्रू। जी चावला नहीं पसंद? वो भी बुरी नहीं है, मगर मेरा अपना जो, अगर चॉइस मिले तो आई विल गो विद सुष्मिता सेन। स्टिल, या बस वो पहला प्यार था या आखिरी प्यार था या पहले का प्यार था? प्यार, प्यार इज अ बिग वर्ड। मतलब वो मुझे अच्छी लगती हैं बस, इससे ज्यादा। और हर अच्छी चीज का मतलब ये नहीं आप जिसको पसंद करें उसको हासिल करने के चक्कर में भी पड़ जाएं। बिल्कुल, no, it's not like that, बस। नहीं तो अगर वो आपको कहते हैं कि मुझसे शादी कर लें तो आप क्या कहते हैं? आई डाउट इट। हाँ, ऐसा मुमकिन नहीं। अच्छा, जबकि आमिर लियाकत साहब कह के गए कि जी काश मैं उनको, जो पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ चक्कर चला था, वो पर्सनालिटी होती है। लेकिन चलिए ठीक है, फाइन, आपकी बात बिल्कुल आई अग्री। मुझे भी जिंदगी में बहुत सारे लोग पसंद हैं और मेरा उनसे सच्चा प्यार है, जैसे एक फैन का होता है, जैसे एक आम इंसान का होता है जिसको आप बड़ा अडोर करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे जो है ना हासिल करें। लेकिन बैक टू द क्वेश्चन, पाकिस्तान में आपको कौन, चल मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, बुशरा अंसारी, बाबरा शरीफ, रीमा, अ लॉट ऑफ पर्सनैलिटीज, ब्यूटीफुल पर्सनैलिटीज। जो खातून अपने ऑरा की वजह से, अपनी ग्रेस, अपनी डिसेंसी की वजह से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हैं या थी, उनका नाम है नय्यर सुल्ताना। वाह जी वाह। और उनका जो ग्रेस था, सही बात है, उनका जो ऑरा था, जो एलिगेंस था उनमें, वो मुझे किसी और खातून में दिखाई नहीं दिया। ठीक, मैं बहुत ज़्यादा उनका एडमायरर हूँ। ठीक। और मुझे वो बहुत पसंद है। टीवी होस्ट आपको कौन सा लगता है एंटरटेनमेंट की साइड पे? जो पॉलिटिकल शोज करते हैं सब बहुत अच्छे हैं, मैं पता नहीं कैसे बोलते हैं, कितना बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता, उल्टे सीधी बातें भी हो रही होती हैं, चलेगा। तो मैं न्यूज़ की साइड पे तो मैं नहीं जाती, लेकिन एंटरटेनमेंट में जो आपको अच्छा एंटरटेन कर सके, वो कौन सा होस्ट? मोहम्मद शरीफ साहब को एंजॉय करता हूं। आई लव हिम, वेरी नाइस चॉइस, वेरी नाइस चॉइस। उनके साथ बड़ा मजा आता है जब भी शो पे जाए, इट इज ऑलवेज ऑलवेज फन। अच्छा, आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ मैंने शो किया था, उन्होंने मुझे कहा जब आप हैदराबाद से जी कंटिन्यू करेंगे तो आप उन्हें कहिएगा मेरी तरफ से स्पेशली कि मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा उनके साथ और हमने बड़ा एंजॉय किया। यकीनन बहुत एंजॉय किया, वी वर इन द पार्लियामेंट टुगेदर। सही। और उससे पहले भी हमारे फैमिली टर्म्स रहे हैं और मेरे छोटे भाई के साथ वो पढ़ते भी रहे आदम जी साइंस कॉलेज में, तो अच्छा वक्त यकीनन हमारा गुजरा है साथ। ठीक है, आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी, सारी पर्सनालिटीज़ हैं, हाँ, उसमें से आपको देखने के बाद जो भी कोई पहला लव्स जहन में आए या कोई लाइन, कोई डायलॉग, तो आपने वो डिलीवर कर देना। ठीक है ना, स्टार्ट करें, यू रेडी फॉर इट? अच्छा, चल पिक्चर दिखाई जाए।
सज्जाद अली वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर्स है ना, बिल्कुल, इसलिए कि ये दोनों किस्म की मौसीकी बहुत अच्छी गा लेते हैं, चाहे वो पॉप हो या वो लाइट म्यूजिक हो या इवन क्लासिक हो, तीनों पर इनको बड़ी दस्तरस है और मुझे बहुत पसंद है। रीमा से मेरी एक मुलाकात हुई है आप ही की तरह के शो में, मुझे मिली थी और मुझे याद है कि मैंने इनको बहन बेटी करके मुखातिब किया था। क्यों? तो हमारे घर में ऐसे ही होता है कि किसी भी लड़की को आप बहन बेटी करके ही बात करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो आंसू आ गए थे कि मुझे जिंदगी में पहली बार शोबिज में किसी ने ये कहा है। तो सिंस देन शी इज लाइक अ सिस्टर और अमेरिका में माशाल्लाह अल्लाह इनको एक कामयाब अज़्दवाजी जिंदगी माशाल्लाह गुजार रही है, अल्लाह इनको मजीद तवालत के साथ दे। आमीन आमीन। मुझे भी बहुत पसंद है, बड़ी ब्यूटीफुल लेडी। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर बेगम नवाज़िश। ही वाज डिफरेंट और इन्होंने बड़े अच्छे किरदार निभाए हैं। हाँ। और थोड़ा सा मुतनाज़िया रहे, मेरे लिए नहीं, शायद कुछ और लोगों के लिए, बट आई लाइक हिम। ठीक है, आजकल गायब है लेकिन देखना चाहते हैं हम इन्हें फिर से वापस। थ्रेड्स भी बीच दिनों में मिली थी। Exactly. फेक थी और रियल थी, पता नहीं चला उसके बाद, कोई फॉलो अप नहीं हुआ। हमारे यही होता है, एक न्यूज चलती है और फिर जिसको बिठाना होता है वो फिर बैठ जाती है, पता नहीं चलता। थोड़ा सा डिफरेंट होना जरा मुश्किल है यहाँ पर, है ना। हाँ ये तो है। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर। गालिब और सिर्फ गालिब। वाह जी वाह, मेरे पसंदीदा तरीन शायर। वाह जी वाह, कोई शेर याद है आपको इनका? अचानक जहन में गो मैं रहा रहीन सितम हाय रोजगार। असल में गालिब थर्ड डायमेंशन का शायर है। सही। और अभी मैं उर्दू में एमए कर रहा हूँ तो फर्स्ट ईयर में 5 पेपर्स दिए और शायरी में मेरे मार्क्स सबसे ज्यादा कम आए, 54 मार्क्स आए। सही। और वो शायद इसलिए कि मैंने शायरी को मैथमेटिक्स में प्रूफ करने की कोशिश की तो मैंने उसमें लिख दिया गालिब के ऊपर मजमून लिखते हुए कि गालिब थर्ड डायमेंशन का शायर है और उसमें बाकायदा ग्राफ बना दिया कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस का शेर जो है जो पुरानी क्लासिक की शायरी है उसमें कि जो गम हुआ उसे गमे जाना बना दिया और जो जदीद शायरी है वो ये कहती है कि तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के। और गालिब तीसरी डायमेंशन लेता है हमेशा और वो ये कहता है कि गो मैं रहा रहीन सितम हाय रोजगार लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। वाह भाई वाह। तो उसकी थर्ड डायमेंशन से मुझे इश्क है और ये डिफरेंट सोचता है गालिब और बेशक दुनिया का सबसे बड़ा शायर है। हाँ सही बात है, मुझे भी बहुत पसंद है जी। नेक्स्ट पिक्चर। एक अचानक ही एडिशन हो गया है माधुरी दीक्षित। माधुरी, she is a very good dancer, I believe. I love her. मतलब एक्टिंग ठीक है मगर मुझे लगता है कि ये डांसर बहुत बड़ी है। अभी वो अचानक से इनकी पिक्चर आई ना, मतलब उनका गाना याद आ गया, आंखियां मिलाऊं कभी आंखें चुराऊं, वो वाज अ रियली फेमस सॉन्ग ऑफ हर। मुझे जो इनकी अभी तक वो फिल्म लगी थी जिसमें शाहरुख खान के साथ इन्होंने काम किया था, बहुत हिट फिल्म थी बड़ी, देवदास जी, बिल्कुल। तो बिल्कुल। वो मैंने बहुत एंजॉय की और खास तौर पर उनका जो डांस है उसमें और एक गाना जो है उसमें मार डाला। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें जो इन्होंने आंखों से रक्स किया है। हाँ। और जिस तरह वो उस नवाब से कहती हैं कि उठ के चलो निकलो यहाँ से बाहर। हाँ, हाँ, राइट, तो वो राइट। अगर आप देखें तो मैंने अपनी बीवी को बिठा के कोई 20 बार दिखाया कि देखो यार किस अदा से ये खातून, मतलब इनकी आंखें भी बोलती हैं। सही बात है, वो एक शॉट पूरी फिल्म और एक शॉट एक जगह, कहते हैं ना आपने अपनी जगह बनानी होती है। बाकी मैं मेरा भी मैं समझ रही हूँ मार डाला गाने के बीच का है। इट्स अमेजिंग। हाँ ठीक, परफेक्ट, परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट पिक्चर जूही चावला। यू नो व्हाट आई मेट हर रियली? लेकिन अब वो प्लास्टिक सर्जरीज की वजह से फेस बहुत डिफरेंट हो गया। आई यूज्ड टू लव हर स्माइल। हस्ती बहुत प्यारा है यार, हस्ती बहुत अच्छी, मुस्कुराहट थी। आप कभी मिले लाइफ किसी इंडियन एक्ट्रेस से? मैं कुछ एक्ट्रेसेस से मिला हूँ जिसमें जिया बहादुरी हैं और उनकी मिसेज संदीप देओल
उनकी मैसेज मेरे नाम जहन से निकल रहा है। और एक और खातून जो गुज़श्ता भी थोड़े दिनों पहले तक फिल्मों में बहुत आती थी, मेरे नाम जहन से निकल रहा है, तीन एक्ट्रेसेस से मैं मिला हूँ, क्योंकि ये दो पार्लियामेंटेरियन थी खवातीन। तो आप हेमा मालिनी की बात तो नहीं? हेमा मालिनी, एग्जैक्टली। तो वो इन दोनों से पार्लियामेंट्री एक्सचेंज में मुलाकात हुई थी जी। और एक बार मैं हिंदुस्तान में था तो लिफ्ट में 12 फ्लोर्स हमने एक साथ उतरे थे, तो मुझे पहले तो मैं पहचाना ही नहीं, इसलिए कि शायद फिल्मों में और नॉर्मल लाइफ में इतने मुख्तलिफ हो जाते हैं लोग। सीरियसली, ये एक मानने वाली बात है। मुझे गुमान भी नहीं था कि वो, जब वो आखिर में नीचे उतरे और किसी ने नाम लेकर उनका मुखातिब किया तो मुझे महसूस हुआ कि ये वो एक्ट्रेस हैं जो कि। आपको पता है जूही चावला, मेरे साथ भी सेम केस हुआ था। शी हैज अ शॉर्टर हाइट देन मी, आई एम श्योर। और मैं आई वाज सरप्राइज्ड, मैं जब मॉनिटर देखती थी लगता था जूही चावला, और जब लाइव देखती थी लगता था कौन है। आई डोंट नो, एक कैरिज्मा है या हमने इनको स्क्रीन पे इतना देखा इसलिए हमें इतने डिफरेंट लगते हैं। लेकिन ये बात मानने वाली है कि पाकिस्तान में ब्यूटी है, ब्यूटी मानने वाली है अनडाउटेडली। जी सही साहब जी, जी इनका एक वोट पाकिस्तान के लिए बड़ा पिवोटल था और इनके एक वोट से सिंध ने पाकिस्तान को सेलेक्ट किया था और एक सिंध के लिए एक लेजेंडरी लीडर है अनडाउटेडली। ठीक है, आपने तो सबके लिए इतने अच्छे कमेंट्स दिए हैं, यू सो पॉजिटिव। अच्छा जी, नेक्स्ट पिक्चर। या दिस इज मी एंड ये मेरी तरफ से नहीं है, आई प्रॉमिस। मुझे नहीं पता इन्होंने क्या डाला है इस कैमरे। इज शी गोना बी योर नेक्स्ट पीटीआई भाभी और समथिंग? Absolutely not. Okay. Absolutely not. Okay. Do we have another picture of us? Okay. Finished. Thank you so much. You're welcome. अच्छा आपको पता पिक्चर कहाँ की है? I have no idea. मैं आपको बताती हूँ, मुझे फिल्म के लिए बुलाया था ऑडिशन के लिए। लाइक वो नहीं होता, आप ऑडिशन तो खराब डायलॉग्स बोल के बोलते हैं, लेकिन एक मीटिंग होती है जी फिल्म है और हाँ जी डेट्स फाइनलाइज होनी है, वहाँ पे मैं गई थी उनके घर पे एज रेहान भाभी, एक्स भाभी वॉज डूइंग इट, तो ठीक है फाइन। तो वहाँ पे मेरी मीटिंग हुई थी और उसको खास मौके पे निकाल के और इस तरह से चला देना, आपकी सोच है कि कितना मेरा रिकॉर्ड लगा है। आई एम श्योर। लाइक मेरी फैमिली फ्रेंड्स तो अलग, मेरे काम के लोग, सुबह मैं सेट पे गई, चले चले भाभी आ गए, यार आप चूही गए। एक इंसान का दिमाग नहीं भी है तो आप उसे बनवाए ना, तो मैं बड़ी अजीब हो जाती थी। आपकी वैसे आपके साथ भी ऐसा हो चुका है, लेकिन वो थोड़ा सा आगे एक सेगमेंट है उस पर हम करेंगे। एंड आप कैसे फेस करते हैं यार लोगों को, हेटर्स को स्पेशली? अगर आपके दिल में गिल्ट नहीं है तो परेशानी की क्या बात। बिल्कुल। इफ यू आर नॉट इन्वॉल्वड इन एनी सीन लाइक दैट तो फिर लोगों को नजरें झुका के चलना चाहिए, आपको नहीं। बड़ी बात है। तो ये लोग बावर कहते हैं कि जी हम जीत गए, एमक्यूएम जीत गई, एमक्यूएम जीत गई, धांधली हुई। आपको कभी कभार हंसी आती है, आप कहते हैं कि हम यूज्ड टू हो गए, क्या है ये, क्या है ये? देखिए, जो हार जाते हैं उनको भी मार्जिन देना चाहिए। सही। उनको भी फेस सेविंग देनी चाहिए। और अगर वो कोई ऐसी बात करते हैं तो मुस्कुरा के खामोश हो जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर तल्ख बात का जवाब दिया ही जाए। ठीक है, अब एक राउंड करेंगे, रैपिड फायर राउंड। आई लव इट, जबकि मैं बहुत स्लो हूँ, मैं मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या जवाब दूँ, मैं हमेशा फंसती भी हूँ, लेकिन ठीक है मुझे ये अच्छा लगता है। सो कोशिश कीजिएगा अगर थोड़ा जल्दी जवाब दे सकें तो ठीक है, वरना चलो। ओके, दिन का कौन सा हिस्सा पसंद है, सुबह दोपहर या रात? 3 बजे से 6 बजे सुबह तक का। आपका दिमाग उसी वक्त काम करता है, यू फील रिलैक्स, जैसे मैं भी रात को 10 बजे के बाद आया। मेरा वक्त होता है और उस वक्त में मैं पढ़ता हूँ किताबें, या कभी नेट सर्फ कर लिया, कभी टीवी देख लिया, तो वो टाइम मेरा है। अच्छा। 3 बजे रात से सुबह 6 बजे तक। 6 बजे तक, ओके। आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी? जिना। जिना, ओके, ठीक है। उसका स्पेशल शो हुआ था तो उस पर गया था आखिरी फिल्म। ठीक है, जबरदस्त। अगर दुनिया में कहीं रहने का मौका मिले तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? कराची, कराची और सिर्फ कराची। अरे वाह, ओके। कोई ऐसी डिश जो आप ज्यादा शौक से खाते हो? बिरयानी, कोफ्ते, दाल चावल। या, ओके। अच्छा, ये कैसे सवाल लिखा है इन्होंने, चले ठीक है फिर भी पूछ लेती हूँ। सोना ज्यादा पसंद है या चांदी?
सोना ठीक है अच्छा, कोई ऐसी शख्सियत जिसपे आपको बहुत एतबार और आपको पता हो कि वो धोखा नहीं देगा, पॉलिटिकली या रेगुलर आम मेरी आम जिंदगी में? एनीबॉडी। मेरा एक दोस्त है जमाल, वो पिछले 42 साल से मेरा दोस्त। अरे वाह, काश हमें भी ऐसी दोस्ती मिले। बचपन का दोस्त होगा, आई एम श्योर। हाँ, पहली बचपन की दोस्ती ऐसी हो सकती है। हाँ ठीक है, पहली मोहब्बत किस उम्र में हुई? 10 बरस। Really? हाँ? हाँ? क्या सीन था? कुछ भी नहीं, स्कूल में? नहीं, मोहल्ले में। मोहल्ले में कौन थी? नेबर थी, कोई टीचर थी? पड़ोस में रहती थी, ज्यादा मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। मगर ये के ठीक है, पहली बार मुझे ऐसा लगा था कि एज इफ के यार शी इज द वन, एंड शी वाज 6 एट दैट टाइम। अल्लाह क्यूट। आपका निकनेम क्या है? पप्पू। पप्पू? यस। हां बिल्कुल। अम्मी प्यार से बुलाती थी? अम्मी और खानदान के सारे बड़े अभी भी बुलाते हैं आपको, चिढ़ोती है? अगर वो नहीं बुलाएंगे तो मुझे बुरा लगेगा। और ये सिर्फ फैमिली के लिए हो सकता है? नहीं नहीं, अगर कोई प्यार से पुकार रहा है किसी भी नाम से तो क्या बुरा है। अच्छा। मगर मेरे घर के बड़े अब भी मुझे मेरे निकनेम से ही बुलाते हैं। I'm so good about it। और अच्छी फीलिंग है। Yes। बिल्कुल ठीक है। बचपन की कोई खूबसूरत याद? बहुत बेशुमार है, बेशुमार है। कोई एक अच्छी सी? क्लास 10th में रिजल्ट 3 दिन लेट हो गया था। उस जमाने में अखबार में रिजल्ट आता था और सारे स्टूडेंट बस टहलते रहते थे, सुबह अखबार आए, सुबह अखबार आए, सुबह अखबार आए। तो हम 3 दिन टहले थे कि भाई, और गोलीमार चौरंगी जाकर अखबार वालों के पास खड़े, वहाँ रात को 3 बजे इतने अखबारों के ढेर होते हैं आज भी। तो बस वहाँ जाके खड़े हो जाते थे, भाई रिजल्ट आया, भाई रिजल्ट आया, भाई रिजल्ट आया। तो पूरा दोस्तों का ग्रुप था जो जाकर खड़ा होता था, और 3 दिन हमें अपने मैट्रिक के एग्जाम उसका रिजल्ट का वेट करना पड़ा था। That was fun। हाँ वैसे वाकई में रिजल्ट के वक्त वैसे ही बहुत हो रहा होता है, जिस वक्त रिजल्ट अनाउंस हो रहा था उस वक्त भी एक ना एक हाँ पर टेंशन होती है, आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। अच्छा, इस वक्त जहन में कौन है? कामरान खान साहब। एंड रीजन? अभी उनके शो पे जाना है लाइव। अच्छा ठीक है, कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते हो? मौका मिले तो शायर बनकर जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, कॉलम लिखना चाहता हूँ और किताबें लिखना चाहता हूँ। हाय, शायरी से मुझे भी बहुत लगाव है, और आपको पता है मैं मुश्किल से कोई 2 लाइन वाला शेर याद करती हूँ कि ये मैंने बोलना है, और मैं ज़्यादा मुश्किल शायर को भी नहीं, अगर मैं वसी शाह को गिन लूँ कि यार मैंने ये बोलना है तो भी मैं भूल जाती हूँ, मैं बीच में फंस जाती हूँ। मुझे नहीं पता कि शायरी बोलने के लिए दिमाग अच्छा होना चाहिए क्या, मैं एब्सेंट हो जाती हूँ, मुझे नहीं याद रहती शायरी। मुझे बहुत ज़्यादा शेर याद, 5,000 से ज़्यादा शेर याद है मुझे। क्या रीज़न क्या है? गॉड गिफ्टेड होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। आपको कोई जुमला किसी का याद रह जाता है, हमें शेर याद रहे, अच्छा लगेगा तो याद रह जाएगा। तो लोग आपको व्हाट्सएप पे बड़ी शेर शायरी शेयर करते होंगे? बहुत शेयर करते हैं, है ना? बहुत शेयर। बल्कि दो, एक लड़की है और एक लड़का है जिनको मैं इतना ज्यादा नहीं जानता, मगर मैंने उनकी ड्यूटी लगाई हुई है ऑन द व्हाट्सएप और अपने SMS पे, उनका शेर का टेस्ट बहुत अच्छा है। तो वो पहले मुझे ऐसे ही रैंडमली भेजते थे, फिर मैंने उन दोनों को रिक्वेस्ट किया कि कोई भी अच्छा शेर मिले तो मुझे भेज दिया करो। तो अब उन, अगर अब मेरा फोन देखेंगे तो उसमें एक का नाम है अच्छा शेर 1 और दूसरे का नाम है अच्छा शेर 2, और वो लोग मुझे शेर भेजते रहते हैं और मैं एंजॉय करता रहता। तो आपको कभी उनके नाम भी याद नहीं होंगे, वो आपसे आगे मिलेंगे, जी हाँ आप बोलेंगे आप कौन है? उनको पता है कि वो अच्छा शेर 1 और 2 है। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इससे रिलेटेड है, किसी शायर के साथ वक्त गुजारने का मौका मिले तो आप किस तरह वक्त गुजारेंगे? शायरी करेंगे? शायर के साथ वक्त गुजारने का तो मैं सिर्फ बैठकर उसके शेर सुनूंगा। शुक्र है आपने नहीं बोला मैं बैठ के पॉलिटिक्स डिस्कस करूंगा। नहीं, सिर्फ शेर सुनूंगा। वैसे क्या मैं पॉलिटिशियन बन सकती हूँ? क्या करना पड़ता है पॉलिटिशियन? कुछ भी नहीं करना पड़ता, यू कैन बिकम अ पॉलिटिशियन। हाँ तो कोई प्रोसेस तो होगा ना, थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए। अच्छा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आपके घर के सामने गटर उबल रहा है, आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप कंप्लेन करेंगे जी गटर उबल रहा है, और शोर करेंगे गटर उबल रहा है, कोई करने वाला नहीं है। दूसरा, आप आस्तीन चढ़ाएं और गटर में हाथ डालें, कचरा बाहर निकालें, मोहल्ले वाले खुश, ढकना बंद करें, आगे बढ़ जाएं। तो पॉलिटिशियन वो है कि जो उस गटर में हाथ डालता है
कचरा निकालता है उसमें इतनी इखलाकी जरूरत होती है कि वो उस मोहल्ले में रहते हुए भी बजाय कंप्लेन करने के सोल्यूशन की तरफ जाता है। अच्छा, परफेक्टली फाइन। मुझे वैसे तो इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत जो है ना सियासत में इंटरेस्ट है। मैं बहुत कम पॉलिटिशियंस को जानती हूँ, लेकिन जिन्हें जानती हूँ सब मेरे बहुत फेवरेट हैं। अब हम एक और सेगमेंट करेंगे आपके साथ जिसका नाम है सोशल मीडिया, जो कि बहुत एक्टिव है। एंड आपका ट्विटर पर रियल अकाउंट है जी, बस वहीं से हमने कुछ ट्वीट्स उठाई हुई हैं। okay. और हम वो पढ़ेंगे, इनफैक्ट आपने लिखे तो आप पढ़ें तो ज्यादा बेहतर होगा, और उसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे कि क्यों लिखा गया था, उसके पीछे क्या था, अगर मुझे याद रह गया है तो। हाँ, ज्यादा पुराना नहीं होगा, डोंट वरी। चलें, लेट्स स्टार्ट। अरे, ये आप बाइक पे हैं विद वन ऑफ योर फ्रेंड? हाँ, ये बॉट्स है, और बॉट्स पे जो बिरयानी ऑफ द सीज, जो हमारे एक एमएनए का रेस्टोरेंट है, ठीक है, तो वहां पे बाइकर्स आते हैं बहुत सारे। हाँ। तो हैवी बाइक्स वो लेकर आते हैं, और उनसे बहुत सारी, उस दिन भी इत्तेफाक से हम बैठे हुए थे, तो 10-15 बहुत ही बड़ी हार्ले डेविडसन टाइप की मोटरसाइकिलें सारी वो लेकर आ गए। तो मैंने उनको कहा कि यार एक चक्कर दे दो। उन्होंने कहा हैदर भाई, व्हाई नॉट, इट विल बी अ फन। तो वो मैंने एक लड़की की मोटरसाइकिल ली और छोटा सा चक्कर लगा दिया। जबरदस्त से बाइक का एक किस्सा भी हो चुका आपके साथ, इफ आई रिमेंबर एंड आई एम नॉट रॉन्ग, आपने इंस्टॉलमेंट पे बाइक ली थी एंड देन कंप्लीट कर दी चोरी। हाँ, एग्जैक्टली। ओटोनियन सन्स एक दुकान है लियाकतबाद में। जी जी। तो वहां पर इंस्टॉलमेंट में मोटरसाइकिल ली थी 125 अपनी स्टूडेंट लाइफ में, और जिस दिन किस्तें पूरी हुई उसी दिन बाइक चोरी हो गई। कौन कर सकता है ये हरकत, जिसको पता हो गया भाई ये अभी बाकी है इंस्टॉलमेंट, हो सकता है इत्तेफाक और नहीं मिली दोबारा, कभी नहीं मिली। ठीक है, दिखाया जाए नेक्स्ट सक्सेस क्या है। मी सेलिब्रेटिंग दिवाली विद देम एट 90। अच्छा, ओके। 90 MQM इज अ सेक्युलर पार्टी। हम पाकिस्तान की वो वाहिद सियासी जमात है जो खुल के कहते हैं कि हम सेक्युलर पार्टी हैं। ठीक है। और हम इंसानियत पर यकीन रखते हैं, और मजहब के अदबार से हर मजहब की इज्जत करते हैं। बिल्कुल। दो वी आर प्राउड मुस्लिम्स, मगर ये के हिंदू या ईसाई या कोई भी मजहब का, सिख कोई भी है, वो पाकिस्तानी है तो लायक तकरीम और इज्जत है, वो भी हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे माशरे में हमारे साथ ईद मनाते हैं, खुश रहते हैं, वो आते हैं, हम MQM का हिस्सा है वो तमाम लोग, और वो अपने आके त्योहार 90 पे सेलिब्रेट करते हैं, उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। ये भी एक फन होगा, मजा आया होगा, बहुत कम हमें ओकेजन मिलते हैं खुश रहने के लिए जिंदगी में। ठीक है, और दिखाया जाए कौन सा स्टेटस है। ओके, ये CM हाउस के बाहर MQM मुजाहरा कर रही थी। ठीक है। और I was there by myself, तो पूरी रात और पूरे दिन का मुजाहरा था, तो जागते हुए काफी वक्त हो गया था, तो वहां पर दरी ओढ़कर जमीन पे लेट के सो गया। There is another segment जिसमें आपने क्लीन चिट लेनी है, ठीक है ना, और कोई भी एलिगेशन हो सकती है आपके ऊपर। ओके, है ना। वैसे आपको कितना प्रेशर में रहना पड़ता होगा कि यार कोई पिक्चर ना ले ले, उल्टी सीधे पिक्चर लगा देते किसी को किसी चीज के साथ जोड़ के। ऑब्वियसली आप कहीं शादी में भी गए तो बड़ा देखना पड़ता होगा कि बराबर से कोई हरकत ना कर दे, किसी का कैमरा ऑन ना हो, यू नो, आप रहते हैं इन चीजों के बारे में बड़े कॉशियस। पहले नहीं रहता था, अब रहना पड़ता है। और कभी किसी का मोबाइल शोबाइल पकड़ा है कुछ हरकत करते हुए या कुछ ऐसा? हाँ, मतलब दो चीजों, हमारे दोस्त जो भी लोगों की तस्वीरें खींचते हैं, ठीक है, उनको चाहिए कि जरूर तस्वीरें खींचें, मगर इस बात का ख्याल रखें कि जो इथिकली गलत हैं। मिसाल के तौर पर मैं बड़े वाजे अल्फाजों में कहूँ कि मैं सिगरेट पीता हूँ, ठीक है, और ये एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है, एक पॉजिटिव जेस्चर नहीं है। बिल्कुल। अब अगर मैं कहीं सिगरेट पी रहा हूँ तो उस वक्त मेरी तस्वीर ना खींचें, क्योंकि जब वो सोशल मीडिया पे जाएगी तो नौजवानों को गलत तरगीब होगी। बिल्कुल। मैं बहुत छुपा के सिगरेट पीता हूँ इसीलिए पब्लिक में। बिल्कुल। तो ऐसे में, या मिसाल के तौर पर तस्वीर खींचने का इखलाकियात ये भी हैं कि मिसाल के तौर पर आप खाना खा रहे हैं, तो ऐसे मौके पर तस्वीर ना खींची जाए। बिल्कुल। शादी में भी बड़ा होता है ना कि कैमरामैन जो मूवी बना रहा होता है बड़ा बुरा लग रहा होता है वो, और सबसे ज्यादा पूरी शादी की मूवी में। हाँ, मेरी आज तक ये समझ में नहीं आया कि शादी में खाना खाते हुए तस्वीर बनाना क्यों जरूरी है। सारी दुनिया में ऐसा नहीं होता, हमारे पाकिस्तान में लोग मेक श्योर करते हैं इनकी खाना खाते हुए भी तस्वीर खींचना कि भाई ये खाना खाकर गए थे, हालांकि वो इंतहाई गैर जरूरी है। भाई आपने बुलाया है, मेहमान है आपके, आपने तवाजो के लिए खाना रखा है तो खाना खा के भी जाएगा आदमी,
मगर क्या जरूरी है कि वो खाना खाते हुए तस्वीर खींची जाए? पता नहीं, अमेरिका में मैं एक शादी में गया था अपने दोस्त की, यूनिवर्सिटी का हमारा दोस्त था, तो वहाँ बड़ा खूबसूरत सिस्टम था। वहाँ पर लोग मेज के चारों तरफ बैठे हुए थे, मुख्तलिफ राउंड टेबल सेटअप था, और वहाँ मूवी इस तरह बन रही थी कि मूवी मेकर जाता था, माइक हाथ में देता था और वो कहता था कि दूल्हा के बारे में आपका क्या ख्याल है। अब अगर आप दोस्त हैं हाँ। तो आप कोई जोक क्रैक कर देंगे, शादी कर रहा है साला, मैं छोड़ के चला जाएगा हाँ। बीवी को प्यारा हो जाएगा, अब कहाँ कोई खाला मुमानी चाची ताई हैं तो बस वो दूधो नहाए पूते फले हाँ। और ये वो हाँ। दुआएं आ जाएंगी हाँ। तो वो ज्यादा बेहतर है रिकॉर्ड करना बजाय इसके के दूल्हा दुल्हन के साथ स्टेज पे जाकर खाला अलग नाराज के हमें तस्वीर के लिए बुलाया ही नहीं, हाँ, एक खाला मुमानी अलग नाराज हाँ। अब वलीमे में नहीं आ रही हाँ। तो बेहतर ये है कि एक ऐसा अरेंजमेंट हो, सब मेहमान बैठे हो, जाकर माइक हाथ में देंगे, भाई आप दूल्हा और दुल्हन, आप दूल्हा वालों से या दुल्हन वालों से हाँ। तो अगर कहें दुल्हन वालों से, भाई आप दुल्हन के लिए कमेंट कर दीजिए, कोई लड़की होगी तो कहेगी माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है, दुल्हन बन के बड़ी अच्छी लग रही है, इसका जोड़ा बहुत अच्छा है, जेवर बहुत अच्छा है, उस तरह का एक कमेंट जो हमेशा याद रह जाएगा। बिल्कुल, और फिर वो आपके पास लाइफ टाइम एक वीडियो होती है, आपको पता होता है कि अच्छा लगता है पिछली वीडियोस को देखना। और बाकी ये बात बिल्कुल सही है, जो शादी की जो वीडियोस होती हैं, जो मूवी होती है स्पेशली, उसमें आधे घंटे की आपकी क्लिप होती है और डेढ़ घंटे की जो है खाने की क्लिप होती है। आपकी शादी कैसी थी, बहुत सिंपल सिंपल या बहुत धूमधाम से? मेरी शादी मॉडरेट थी, उसकी वजह यह थी कि मेरे भाई के इंतकाल को 8 महीने या 10 महीने तकरीबन गुजरे थे, और मैंने आपको जैसे बताया कि हम 3 भाई थे, तो घर में कोई खातून नहीं थी सिवाय अम्मी के, और अम्मी का जवान बेटा मरा था, तो अम्मी की जो जहनी हालत थी वो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी उस वक्त, तो ज़रूरी ये था कि अम्मी को एक कंपेनियन ला के दिया जाए। ठीक, बिल्कुल। तो शादी की गई और भाई की बरसी से पहले की गई, तो दुनिया ने बड़ी बातें भी सुनाई, होता है ये नॉर्मल है हाँ। अभी जवान भाई को मरे 1 साल नहीं हुआ, शादी करके बैठ गए, और मैं अपनी जॉब पे जाता था, छोटा भाई अपनी अम्मी घर पे बिल्कुल अकेले होते हैं, तो उसके लिए शादी करनी पड़ी। फिर अम्मी ने जिद की कि नहीं मियाँ, अगर शादी हो रही है तो फिर तमाम जो रसूमातें वो होंगी, तो मेहंदी भी हुई, शादी मायूं वाला सिलसिला भी हुआ, मगर जिस तरीके से हमने सोचा था उस तरीके से नहीं हो पाया। सही सही। फोबिया है आपको किसी चीज से? नॉट रियली। क्यों, ट्रबल से डर नहीं लगता आपको, पानी से, हाइट से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। अरे वाह, तो बड़ी अच्छी बात है, वरना मैं देखा है, मैंने ऑलमोस्ट जितने भी लोग के इंटरव्यू किए हैं, सबको कोई ना कोई जो है ना फोबिया, डर नहीं लगता आपको किसी भी चीज़ से? लगता है। डर किस चीज़ से लगता है? अपनी बीवी से। वो तो जायज है, उसके अलावा किसी से डर लगता है? नहीं, नॉट रियली। अच्छा, नॉट रियली। आपको मैं आपको कुछ वर्ड्स दिखाऊंगी, एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ होगा, ओके, उसमें होगा ये कि वो उल्टा सीधा लिखा हुआ होगा, मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस हिसाब से लिखा हुआ होगा, लेकिन अगर आप उसे रीड कर सकते हैं तो करके दिखा दें, अच्छी बात होगी, और अगर जो वर्ड आप रीड ना कर पाए उसे बस छोड़ दीजिएगा, मैं भी बाज़ात नहीं पढ़ पाती तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ पिछले लफ्ज़ को छोड़ के, ठीक okay. है ना। चलिए लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या आया। इतना इजी दिया आपने। आई स्वेयर टू गॉड देयर इज अ गर्ल इन माय क्लास हु कैन रीड माय थॉट्स, शी इज ऑलवेज लुकिंग एट मी funny when I am thinking about her. So I said in my head start laughing if you can hear me, and she started laughing. I'm scared. Hey, wow. आपको बताऊं कि पूरी टीम आपके साथ में है, इन्होंने बड़ा आसान आपको पैराग्राफ निकाल के दिया। okay. I am sure ये ऐसी कुछ हुआ, ये अंदर से बड़े तेज हैं, सब आपके बड़े फैन हैं, आपको बचाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा किया, वरना बड़े टेढ़े मेरे अल्फाज देते हैं, मैं भी नहीं पकड़ पाती हूँ, वो अल्फाज होते हैं जो कि आम रूटीन में जैसे इंपॉर्टेंट हम बहुत यूज करते हैं, अब इसमें कितने सारे इजी इजी अल्फाज थे, बहुत 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 तेज है। अच्छा, आपको एक्टिंग का शौक नहीं हुआ कभी? कभी नहीं। क्यों भाई, व्हाई नॉट? इसलिए कि मुझे गाने का शौक है। हाँ, आई एम अ गुड बाथरूम सिंगर। इवेंट पे नहीं गाते आप किसी ऐसे? नहीं, इवेंट पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, आई एम अ गुड बाथरूम सिंगर। घर के इवेंट पे भी नहीं, एज अ गुड बाथरूम सिंगर। हाँ, आई एम अ गुड बाथरूम सिंगर। अच्छा, आपकी वाइफ को कैसा लगता है शायरी? वो नहीं कहती बस कर दो हैदर, बस कर दो क्या? वो उसको शेर पसंद है मगर
मतलब वो टिपिकल शायरी शायरी टाइप की औरत नहीं है। सही सही। तो आपकी कौन सी आदत उन्हें इरिटेट करती है? फोन ना उठाना? नहीं नहीं, फोन तो मैं फौरन उठाता हूँ। अच्छा? वो इसलिए कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चों का बाप हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो, कोई गिर गया, कोई कुछ हो गया। मेरे बच्चे खिलंदड़े भी बहुत हैं, तो रोज किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी की टांग टूटी हुई है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई छत से कूद गया, तो इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। तो वो मैं हर वक्त वो बीवी वाला फोन तो हमेशा फौरन उठाता हूँ। अच्छा अच्छा। किसी अल्लाह ना करे किसी इमरजेंसी के उससे, कि अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो, वरना बीवी इरिटेट होती है मेरे टाइम ना देने से, कि मैं उसको टाइम नहीं दे पाता, और ये सच है। तो आप वाकई में बहुत बिजी होते हैं, आप ऐसा नहीं करते कि कुछ दिन निकाल के वेकेशंस पे चले जाएं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता? ऐसा नहीं, बहुत कम, बहुत कम। और बच्चे स्कूल जाते हैं आप पिक करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए, बच्चों को लेने के लिए? पीटीएम्स में जाता हूं। अच्छा। आई मेक श्योर कि पीटीएम्स में मैं जाऊं। आपको हुजूम से डर लगता है, मजमे से जो लोग अचानक आके जमा हो जाते हैं? I'm a gregarious person. I love to meet people, new people. Don't you get irritated कि हाथ क्यों लगा रहे हैं आप? Not at all. पिक्चर आप इजीली बनवा लेते हैं? हाँ बिल्कुल। लोग कह रहे हैं अदर भाई कंधे पे हाथ रख के तस्वीर खिंचवा लो, कंधे पे हाथ रख गले मिलकर तस्वीर खिंचवा लेंगे। देखो नीलम, अगर आप अपने वोटर सपोर्टर को के लिए बेयर मिनिमम यही कर सकते हैं, और फौरी तौर पर आप यही कर सकते हैं। आजकल हर बच्चे को सेल्फी चाहिए, हर एक को फेसबुक पे लाइक्स चाहिए, कमेंट्स चाहिए। वो आके कहते हैं हैदर अंकल एक तस्वीर हो जाए, खड़े हो जाओ। वो खींच लेके खुश हो जाता है, वो फेसबुक पे डाल देता है, उसको 200 लाइक्स आ जाते हैं, वो उसमें खुश है, उसकी एक मेमोरी बन जाती है। तो अगर मैं इतना भी नहीं कर पाया उसके लिए, तो फिर किस बात का पॉलिटिकल वर्कर मैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका बढ़ापा है, नहीं तो लोग ये नहीं सोचते। लोग तो कहते हैं हम तो बन गए, अब क्या पिक्चर क्या तस्वीर। जबकि मैं भी फैमिली के साथ जब कभी शॉपिंग पे जाती हूँ तो लोग आते हैं, तो बीइंग अ गर्ल मुझे तो लगता है शायद मेरे बाल नहीं बने हुए, शायद मैं सही नहीं लग रही, तो मैं थोड़ी सी कॉशियस हो जाती हूँ। बच्चे अक्सर लोग अपने बच्चे गोद में पकड़वा देते हैं कि आप पकड़े, बच्चा इतना भारी होता है क्या करें। अच्छा, मैं तो एक लाइव शो पर भी मैं सुन चुकी हूँ इस बारे में कि जो है ना वो आपने तो मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया था, आपने हटा दिया। तो लोग शिकायती भी बड़े होते हैं। आप किसी को खुश नहीं कर सकते, आप जितना भी कर लेना, शिकायत मस्ट बी देयर। आपको कोई फेवरेट पॉलिटिशियन अपनी पार्टी से, आपको अपने अलावा जो अच्छा लगता हो, कोई है? हाँ, फारूक भाई अच्छे लगते हैं। हाँ, फैसल सब्जारी अच्छा लगता है। सही। और नसीम बाजी अच्छी लगती है। ठीक है। वासे जलील अच्छा लगता है। आप लोग वैसे नॉर्मली भी मिलते हैं फैमिली ओकेजंस में, डिनर, या सिर्फ पॉलिटिकली मिलना होता है? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। हम नीलम 30 साल की एसोसिएशन है इस पार्टी के साथ, और जिनका मैंने नाम ले रहा हूँ उनके तो शायद मुझसे ज्यादा ही हो। सही। तो अब यही हमारा घर है, यही खानदान है, यही फैमिली है, यही मरने जीने में है, यही आगे पीछे है, मुश्किल वक्त में यही पूछने आ रहे हैं, तो बस यही है हमारी जिंदगी। और उनके दुख गम में, खुशी गम में हम हैं, हमारे खुशी गम में वो हैं। और अल्ताफ भाई इतने ज्यादा पंक्चुअल हैं इस हवाले से कि अल्लाह ना करे किसी के यहाँ कोई हादसा हो जाए, किसी का इंतकाल हो जाए, या कोई खुशी हो। मेरी शादी के मौके पर अल्ताफ भाई ने मुझे 6 फोन किया था। अच्छा। He called me 6 times. And I was a regular worker at that time. कुछ है, मेरे दोस्त को फोन किया, हैदर पहन क्या रहा है? तो उसने शेरवानी, शेरवानी और शलवार पहना, अहमक पजामा खरीद के लाओ। अरे? तो वो भाग के चला गया और वो पजामा लेके आ गया, पजामा पहन के तस्वीर खिंचवाई, अब ये तस्वीर मुझे किसी तरीके से भेजो। He's so caring about it के 6 फोन, और याद है कि मैं दूल्हा बना बैठा था और सेहरा मेरे कदमों तक था। He called me और वो फोन मैंने जेब में रखा था। जी अल्ताफ भाई, मियाँ सब ठीक हो गया, सारी शादी हो रही है, सब ठीक है, अरेंजमेंट ठीक है, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, कुछ करना है तो बता दो। और आप कह रहे हैं आप उस वक्त इस पोजीशन में थे भी नहीं? Not at all. I was a regular worker. जबरदस्त। अभी भी वैसी कम्युनिकेशन है सबके साथ, या आप थोड़े से वो एक्सक्लूसिव हो गए? नहीं नहीं नहीं, अल्ताफ भाई
इस चीज में आई कैन बैट कि अल्ताफ भाई को कोई बीट नहीं कर सकता। बिल्कुल। किसी की कारकुन की वालदा का वालिद का घर में कोई इंतकाल कोई शादी गमी हो उनकी कॉल मस्ट आएगी, जरूर वो कॉल करके पूछते हैं या तो खुशी का पैगाम देते हैं या ताजियत करते हैं, इसमें कोई बीट नहीं कर सकता। अच्छा, इसीलिए 25 साल से वो मुल्क से बाहर हैं मगर लोग उनसे डिस्कनेक्ट नहीं होते। बिल्कुल, यूनिटी तो है। वरना आप सोचे ना कि 25 साल अगर एक लीडर मुल्क से बाहर है जी तो यहाँ तो लोग एक साल ना रहे तो कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। बिल्कुल मगर उनकी कनेक्टिविटी खत्म नहीं होती। बाकी क्रिश्चियन लोग भी आपको बड़ा फॉलो करते हैं, आपकी पार्टी को, आपकी जमात को, बिकॉज मैं एज आई सेड बिफोर कि हम डिफरेंट पार्लर्स में भी जाते हैं, वहाँ पे भी जो स्टाफ है वो क्रिश्चियन होता है, उनसे जब पूछो जी आपने किसको वोट दिया तो वो कहते हैं जी हमने MQM को दिया है, पतंग को वोट दिया है। तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ये बात आपकी एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, क्लीन चिट लेंगे आप कोई भी एक एलिगेशन होगी? मैं चाहता हूँ हर एक को 10-10 एलिगेशन दूँ क्योंकि उस वक्त इंसान इतने मज़े से बोल रहा होता है, सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा होता है। और मेरा ख्याल ये एक बिल्कुल सही तरीका है अपनी बात कहलवाने के लिए। आप बहुत सारी जगहों पे नहीं बोल पाते हैं, मैसेज चाहते हुए भी नहीं दे पाते हैं, सो ये एक बेस्ट तरीका है। तो चेक करते हैं कि क्या एलिगेशन लगता है आप पे। मैं आपको 3 बॉक्सेस दिखाऊंगी, आपने कोई भी एक बॉक्स सेलेक्ट करना है और दिखते हैं अंदर क्या है। ओके दिखाया जाए। नंबर 3 में नजर आई चले जिनमें टून 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 टून, वो क्या तस्वीरें थी? बिल्कुल ठीक है, मजेदार एलिगेशन है। और ऐसा हुआ भी कि एक सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसी तस्वीर पॉपअप हुई कि जिसमें ऐसा लगा कि मैं किसी के साथ ये टू 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 कर रहा और वो तस्वीर गलत नहीं थी, तस्वीर ठीक थी, बस वो जो साहब थे उनके साथ मेरी मुशाबहत साइड पोज इतना अनकैनी रिजेंबलेंस थी कि पहले तो मुझे भी झटका लगा और मैं बैठ कर ये सोच रहा था कि मालिक मैं इसको डिफेंड कैसे करूंगा जब मैं खुद धोखा खा रहा हूँ। मगर फिर हमारे साथी हैं कनाडा में होते हैं, सही, उन्होंने किया ये कि 1 घंटे बाद उन्होंने उस तस्वीर की पूरी डिटेल्स उस वेबसाइट की, दैट वाज एक इंडियन टू 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 साइट थी जिसकी वो तस्वीर थी और उन्होंने साइड पोज भी और फ्रंट पोज भी नेट पे दे दिया और वो 1 घंटे में एलिगेशन काउंटर हो गया और उससे फिर जान छूटी। तो वो तस्वीर ठीक थी मगर मेरी नहीं थी। हाँ नहीं, वो जो लोग आपको बहुत जानते हैं या मिल चुके हैं, देखा है, आप एक नजर में तो धोखा खा सकते हैं लेकिन फिर आप कहते हैं कि नहीं नहीं आप नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई उस तस्वीर के बाद। अच्छा। मेरी बीवी से किसी ने कहा कि ऐसी तस्वीर आई है हैदर भाई की, तो मेरी बीवी ने तो तस्वीर देखना भी गवारा नहीं किया, उसने कहा मुमकिन नहीं है, आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस इवन, ऐसा हो नहीं सकता। कुछ जिन पर इतना तकिया और भरोसा था उन्होंने फोन करके गालियां दी कि अगर ऐसा कुछ करना था तो कैमरे के आगे क्यों किया। शुरू में 1 घंटे तो मेरी भी समझ नहीं आया, वाज इस्लामाबाद सिटिंग ऑन माय बेड, आई वाज ऑल अलोन एट दैट टाइम और मैं ये सोच रहा था उस तस्वीर को देख के कि मालिक मैं इसको कैसे डिफेंड करूंगा। सही बात है, क्योंकि पहली नजर में तो मुझे भी झटका लगा कि ये इतनी रिजेंबलेंस कैसे हो सकती है। मगर थैंक यू हमारे उन साथी का कि जो कनाडा में थे, उन्होंने 1 घंटे में मुझे लिंक भेजा कि अदर भाई नथिंग टू वरी अबाउट, दिस इज फ्रॉम एन इंडियन 2222 साइट, ये साइट है, ये फला है, ये इसका लिंक है, ये वेब एड्रेस है, यहाँ जाएं और यहाँ जाके क्लिक करें, आपको सारी डिटेल सामने आ जाएगी। चलो थैंक गॉड। फिर वो MQM की सोशल मीडिया टीम उसके ऊपर लग गई, 1 घंटे में वो वॉश आउट हो गया। जो अब देखते हैं शायद उनको झटका लगता हो मगर उस वक्त जब ये पॉप अप हुई थी तो उसके 1 घंटे में बड़ा मजेदार सीन। और हामिद मीर जो हमारा का एंकर है और बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, हामिद ने बड़ा मजेदार कमेंट किया था। हामिद सेड के
हैदर यार आई नो दिस इज नॉट यू दैट कैन बी यू. मैंने कहा हाउ कैन यू बी सो श्योर अबाउट इट. तो कहता यार आई नो योर टेस्ट. थैंक यू अमित. पर उसने अपने शो में कहा भी इसको इंडोर्स किया कि वो तस्वीर गलत है और वो किसी और की तस्वीर है जिसको हैदर भाई के नाम से चलाया जा रहा है. दिस इज रॉन्ग. अरे बिल्कुल ठीक है. वैसे मुझे तो ये पिक्चर फेसबुक पे तो नहीं, मुझे तो व्हाट्सएप पे रिसीव हुई थी. आपको पता है कि चीज इधर से उधर शेयर होते हैं, टाइम नहीं लगता और लोग कहते हैं कि क्या फेसबुक की वॉल पे शेयर करो, डायरेक्ट व्हाट्सएप ही कर दो. एंड ऑब्वियसली मुझे भी थोड़ा सा शॉक लगा था, बट एज वी नो यू, पहचानते हैं हम, तो पता भी चल रहा था कि आप नहीं हैं. लेकिन बाकी में इतनी ज़्यादा किसी की शक्ल आपसे मिलना आपके लिए बहुत बहुत खतरनाक भी हो सकता है. थैंक यू सो मच. तो शुक्र है कोई वीडियो नहीं थी हैदर साहब, अगर तो वो ब्लर ब्लर होती तो नहीं. वो 18 तस्वीरें हैं. हाँ हाँ, पिक्चर में तो फिर भी बंदा क्लियर पता चल रहा है ना. हाँ ठीक है. तो फिर हमने पूरी रिसर्च की गई है क्या है. हाँ, तो पता चला कि पाकिस्तानी ओरिएंटेड एक पॉलिटिकल पार्टी ने उस अनकैनी रिजेंबलेंस को बुनियाद बनाकर उसको. और ये सब पेड है, सब पेड है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू. सीरियसली बहुत मजा आया. टेलीविजन पे आपको देखा था, आज आपसे पहली मुलाकात हुई है और मुझे बहुत अच्छा लगा. आप बहुत बहुत ही आला इंसान है. अच्छा, हमारे छोटा सा सेगमेंट है. सेगमेंट इन द सेंस ये है कि हम फैंस के लिए करते हैं. यू हैव अ ह्यूज फैन फॉलोइंग और लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, चाहते हैं कि आपकी कोई पहनी हुई चीज़ आप उन्हें गिफ्ट करें या कोई ऐसी चीज़ दें जो कि आपके हाथ की हो. तो आई थिंक इट्स द बेस्ट सिग्नेचर है ना. यहाँ पे अगर आप अपना साइन कर देंगे पतंग के ऊपर तो फिर हम अपने फैन पेज पे इंस्टा पे अपलोड करेंगे, नंबर्स स्क्रीन पर चलेंगे, सो उनको ये पतंग मिल जाएगी एज अ गिफ्ट फ्रॉम योर साइड, जो क्रेजीएस्ट फैन होगा. सो अगर आप इसके ऊपर साइन कर देंगे तो आई विल बी रियली थैंकफुल. थैंक यू. थैंक यू सो मच. साइन भी बड़े अच्छे जबरदस्त. फैन को किसी को ये इलेक्शन के दौरान ये वो पतंग है जो कि मैं लगा के घूम रहा था. अच्छा, अगर किसी फैन को चाहिए तो आई कैन कीप इट विद मी. इसमें क्या है, मैं रख सकती हूँ. इट्स अ ब्यूटीफुल काइट. जरूर. हाँ, बहुत खूबसूरत लग रही है ये. तो मैं रखूंगी क्योंकि बिकॉज मुझे रखनी है. ये फैन के लिए, इसको हम फ्रेम करवा देंगे एंड जो भी क्रेजीएस्ट फैन है वो इस पतंग को ले सकता है. हैदर साहब का सिग्नेचर इसके ऊपर और खूबसूरत साइन किया. मैं लगता है कि एक वाइकी पोइट का सिग्नेचर है और लोग तो पिक्चर खिंचवा लेते हैं लेकिन मुझे राइटिंग रखने का बहुत शौक है. मैं लोगों से सिग्नेचर्स ले लेती हूँ, ये मेरा अपना शौक है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. रियली रियली थैंक यू. मज़ा आया आपके साथ बातें करके, आपको जान के बहुत अच्छा लगा. आज की एपिसोड बड़ी अच्छी थी, मैंने बड़ा इन्जॉय किया. मेरी हैदर साहब से फर्स्ट मीटिंग है और रही इस शो के हवाले से, और बड़ा मज़ा आया, इंजॉय किया. एंड पता चला कि भाई ये सिर्फ जो लोग सोशल मीडिया पे टीवी पे दिख रहे होते हैं वो उनसे लाइव मिलने में बाकी एक डिफरेंट बात होती है और आप मज़ीद जो है ना अच्छा फील करते हैं. आपको पता चलता है कि एक्चुअली पर्सनैलिटी किस हिसाब से और क्या है. इनकी पतंग तो मुझे मिल गई है एज अ गिफ्ट. जी हाँ जी, आज के एपिसोड एंड यहाँ पे. वक्त तो बहुत जल्दी गुजर गया, दिल नहीं चाह रहा था लेकिन वी हैव टू फिनिश इट. बहुत सारे आप यकीन करें सवाल होते हैं जो कि मेरे पास लिखे पड़े होते हैं और लिखे रह जाते हैं मगर वक्त नहीं मिलता. कभी कभार लगता है कि जी एक डेढ़ घंटा भी काफ़ी नहीं है, लेकिन चलें ठीक है. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इन्हें फिर से इन्वाइट करेंगे. आप भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी इनसाइड आउट विद नीलम मुनीर में. अपना बहुत ज़्यादा बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.